हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्यूरियस आइजोन पर। आपने अपने डेली लाइफ में आसपास ऐसी घटनाओं या फिर जगहों के बारे में जरूर सुना होगा जो कि साधारण नहीं होंगे। ये सभी जगहें अपने आप में एक रहस्य होते हैं जिसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। हम आज के इस वीडियो में आपको भारत के ऐसे ही मिस्टीरियस प्लेस और मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में बेहद अजीबोगरीब हैं और मिस्टीरियस भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक हिल के बारे में। लद्दाख में एक ऐसी जगह मौजूद है जो सीधा सीधा ग्रेविटी को चुनौती देती है। यह लेह से 30 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक हिल नाम की पहाड़ी है जो कि वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को अपने ऊपर की ओर आकर्षित करती है। अगर आप अपनी गाड़ी को बंद कर छोड़ दे तो आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। वहाँ का लोगों का मानना है कि यह सड़क कभी स्वर्ग तक जाती थी और जो डिजर्विंग लोग होते थे वे अपने आप वहाँ पर खींचे चले आते थे, जबकि वैसे लोग जो कि अनडिजर्विंग होते थे उनको रास्ता भी नहीं मिलता था। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान कुछ और ही कहता है। हमारे पास दो तरह के साइंटिफिक फैक्ट मौजूद हैं। पहला तो यह है कि मैग्नेटिक हिल के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है जिस वजह से वहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ अपने आप ऊपर की ओर आकर्षित होने लगती है, और इसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स के वजह से भारतीय वायुसेना भी इस मार्ग से आने जाने से बचती है ताकि उनके उपकरण खराब ना हो जाए। और दूसरा बड़ा कारण यह माना जाता है कि मैग्नेटिक हिल के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, बल्कि यह एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसके आसपास के जो पहाड़े हैं ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जिससे सड़क को जो वास्तव में नीचे की ओर जा रहा होता है वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तविक में वह नीचे की ओर जा रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पर खड़ी गाड़ियाँ नीचे की ओर आती है, बट इल्यूजन के वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ियाँ ऊपर की ओर चली जा रही है। आगे हम बात करते हैं हैंगिंग पिलर के बारे में। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में विभद्र लेपाक्षी मंदिर है जो कि बेहद ही अद्भुत है, और यह मंदिर चट्टानों की नक्काशी करके बनाया हुआ है। उस मंदिर के सामने एक बड़ी सी नंदी की मूर्ति बनाया हुआ है जो भगवान शिव के वाहन भी होते हैं। और यह नंदी की मूर्ति की खास बात यह है कि यह एक सिंगल पत्थर को तराश करके बनाया गया है, और यह वर्ल्ड में से लार्जेस्ट वन है जो कि सिंगल पत्थर को तराश कर बनाया हुआ है। इस मंदिर की सबसे मिस्टीरियस बात तो यह है कि इस मंदिर में कुल 70 पिलर्स हैं और सभी पिलरों में एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाई हुई है जिससे आपको वहां के उस समय के राजा के बारे में या फिर वहां के कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं इसमें क्या मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस बात तो यह है कि 70 में से एक पिलर ऐसा है जो नीचे फ्लोर को टच नहीं करता है, वह लिटरली लटका हुआ है। लोग इसे चेक करने के लिए उसके नीचे से कपड़ा या फिर कोई भी पतली चीज पार करके देखते हैं जो पूरी तरह से पार हो जाता है। यह पिलर या बोले तो पूरी मंदिर हमारी पुरानी संस्कृति का शानदार इंजीनियरिंग पेशकश में से एक है। आप सभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सुसाइड का न्यूज जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बहुत से बर्ड्स एक साथ सुसाइड कर लिया है? जी हाँ, आगे हम ऐसी ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर बर्ड्स लार्ज अमाउंट में एक साथ सुसाइड करते हैं। जतिंगा नाम का एक विलेज है जो कि असम में मौजूद है। यह एक छोटा सा ट्राइबल विलेज है। इस जगह के बारे में बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है जो उस गांव को सुसाइडल प्लेस फॉर बर्ड्स के नाम से फेमस करता है। वहां पर लिटरली बर्ड्स आते हैं और सुसाइड करते हैं। जतिंगा में हर साल सितंबर से नवंबर के बीच में बहुत से मैसिव अमाउंट पर बर्ड्स आते हैं और सुसाइड करते हैं। यहाँ पर लोकल बर्ड्स ही नहीं बल्कि वैसे बर्ड्स जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं वह भी यहाँ पर आकर सुसाइड करते हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात तो यह है कि बर्ड्स यह काम को रात के 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करते हैं। इसमें बर्ड्स के 40 स्पीसीज शामिल हैं। इसके पीछे का कारण वहाँ के विलेजर्स का यह मानना है कि इसके लिए कोई ना कोई बुरी ताकत का हाथ है, लेकिन बहुत से ऑर्निथोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया है कि असम में फ्लड के वजह से बहुत से बर्ड्स का फूड और शेल्टर चला जाता है, और साथ ड्रेज की वजह से बर्ड्स क्लियरली देख नहीं पाते हैं, और बड़े बड़े पेड़ों पर, बिल्डिंग्स पर और बिजली के पोल खूंटों पर जाकर टकरा जाते हैं। लेकिन अभी तक वैसा कोई परफेक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं आया जिसको एक्यूरेट माना जा सकता है कि बर्ड्स ऐसा क्यों करते हैं।
आपको क्या लगता है कि बर्ड्स वहाँ पर एक साथ आकर सुसाइड क्यों करते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारी अगली मिस्टीरियस प्लेस पर ट्विंस विलेज है, जो कि केरला पर स्थित है। बहुत से लोगों का यह बिलीव होता है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे हमशक्ल होता है, और यह पॉसिबिलिटी होता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर रियल लाइफ में हम अपने डोपलगैंगर से मिल सकते हैं। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि एक व्यक्ति के लगभग 7 लोग होते हैं जो सेम उसी के तरह से दिखाई देते हैं। यही नहीं, आपने न्यूज़ पर या फिर सोशल मीडिया पर बहुत से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का लुक अलाइक भी जरूर देखा होगा, जो बिल्कुल उनके तरह दिखाई देते हैं। हम अभी एक ऐसी ही जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो कि केरला में स्थित है। उस जगह का नाम है कोढ़िनी, जिसके बारे में सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। इस गांव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत से ट्विंग्स रहते हैं। बहुत सी रिपोर्ट्स यह कहते हैं कि इस गांव में मिनिमम 400 पेयर ऑफ ट्विंग्स रहते हैं, मतलब कि हर घर में एक ट्विंग्स जरूर ही मौजूद होता है। बहुत से डॉक्टर्स इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्सेप्टेबल आंसर नहीं मिला है, और ना ही अभी तक कोई यह बता पाया है कि इस गांव में ही सिर्फ हर परिवार में कोई ना कोई ट्विंग्स कैसे होता है। सबसे अंतिम में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। आप सभी अलग अलग भगवानों की पूजा होते हुए तो जरूर देखा होगा, या फिर आप करते भी होंगे, लेकिन क्या कभी आप गाड़ी की पूजा होते हुए देखा है? जी हाँ, राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रॉयल इनफील्ड 350 का पूजा होता है, और वहाँ पर एक मंदिर भी बनाया गया है जिसको ओम बन्ना धाम के नाम से जाना जाता है, या फिर उसे बुलेट बाबा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर NH 26 में जोधपुर एक्सप्रेसवे में स्थित है। इसके पीछे की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लगभग 30 साल पहले एक रात ओम बन्ना सिंह राठौड़ नाम का एक व्यक्ति, जो कि अपनी बुलेट से अपने गांव की ओर जा रहा था, लेकिन बाइक से कंट्रोल खो जाने की वजह से अचानक से उसकी बाइक एक पेड़ पर जाकर टकरा गई और उस व्यक्ति की स्पॉट पर ही डेथ हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कस्टडी में ले लिया और पुलिस स्टेशन पर ले जाकर रख दिया। नेक्स्ट डे वह बुलेट अपने आप मिस्टीरियसली पुलिस स्टेशन से गायब होकर कर वह बुलेट उसी जगह पर जाकर पहुंच गई जहां पर कि यह दुर्घटना हुआ था, और यह बार बार ऐसा ही होता रहा, यहां तक कि जब पुलिस वाले ने उस गाड़ी को चैन से बांध दिया और पेट्रोल की टंकी पूरी तरह से खाली कर दी, तब भी वह बुलेट अगले दिन पुलिस स्टेशन से फिर से गायब होकर कर उसी जगह पर पहुंच गई थी। और यह घटना जैसे ही पूरे गांव में फैली, वहां के लोग इस बाइक की पूजा करना शुरू कर दिया, और वहां का लोगों का यह मानना है कि ओम सिंह बन्ना का स्पिरिट अभी भी उस बुलेट को पर राइड करते हैं और ट्रैवलर्स को एक्सीडेंट से सेफ रखते हैं। और आगे चलकर इस बुलेट के पास एक मंदिर बनवा दी गई, जिसे आज बुलेट बाबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 5 में से कितने फैक्ट पहले से जानते थे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव या फिर अच्छा लगा हो तो आप हमें एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।